प्रदेश में निजी बसों का चक्का जाम होगा 11 सितंबर की रात 12 बजे। प्रदेश भर में निजी बसों के पहिए थम जाएंगे। करीब 3,000 निजी बसों का चक्का जाम होगा। बस ऑपरेटर्स राजस्थान की ओर से राज्य सरकार को चेतावनी दी गई है। अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि हमारी सरकार से मुख्य मांग है कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों की आयु मॉडल कंडीशन ऑल इंडिया परमिट की बसों के समान 12 वर्ष करने समेत अन्य मांगे भी हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार को 10 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया था। 30 सितंबर को 400 बसों का परमिट खत्म हो जाएगा, जिसके बाद ये बसें स्कैप हो जाएंगी। इसलिए मॉडल कंडीशन में बदलाव कर परमिट जारी किया जाए। बस ऑपरेटर्स ने कहा कि सरकार नहीं सुन रही, लिहाजा 11 सितंबर रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। भारत सरकार ने वर्तमान सड़कों की स्थितियों को देखते हुए, गाड़ियों की मजबूत इंजन स्थिति और भी मेंटेनेंस की स्थिति को देखते हुए अब 12 साल की कंडीशन लागू कर दी है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट 8 साल से अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि हम 8 साल ही लोक परिवहन की गाड़ियों को चलने देंगे, इसके ऊपर नहीं चलने देंगे। उसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारी आपसे अपील है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जब सब सुविधाएँ बदल चुकी है, सारी व्यवस्थाएँ बदल चुकी है, सरकार को भी अपने सोच में सकारात्मक परिवर्तन ला के जनता के हित में इन गाड़ियों को 12 साल के लिए चलने की तुरंत अनुमति देनी चाहिए। राजस्थान सरकार के नुमाइंदों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कम से कम 50 बार हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कुछ सरकार के साथ जुड़े हुए अधिकारीगण अपने लोभ की मात्रा को नहीं छोड़ने पर उतारू हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्लीपर कोच का टैक्स मात्र 200 रुपये सीट लिया जाता है और एक स्लीपर से एक ही टैक्स लिया जाता है। हमारे राजस्थान के परिवहन विभाग द्वारा एक स्लीपर कोच की सीट से दो सीट का टैक्स लिया जाता है, ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुदर्शन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदर्शन, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, बसों का चक्का जाम किया जा रहा है। सुदर्शन, यहाँ पर चक्का जाम किया जा रहा है, चक्का जाम होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुल मिलाकर 21 सूत्री मांग पत्र है राजस्थान के जो निजी बस ऑपरेटर है, बस ऑपरेटर एसोसिएशन का, और लंबे समय से ये जो मांग है यहाँ पर इनकी ओर से की जा रही है। लेकिन एक राहत की बात यहाँ पर यह है कि सरकार की ओर से वार्ता का न्योता आया है जो निजी बस ऑपरेटर है उनके लिए। आज 10 बजे परिवहन भवन, जो परिवहन विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय है, वहां पर बस ऑपरेटर एसोसिएशन की वार्ता होगी और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे अधिकारी। और अगर हम ऑपरेटर एसोसिएशन की बात करें तो उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सत्यनारायण साहू, वो इसमें शामिल होंगे। संरक्षक अनिल जैन है, महासचिव रवि सोनी है, और इसके अलावा संयोजक सुभाष चौधरी, जयपुर संभाग के अध्यक्ष हैं कैलाश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं विपिन शर्मा, ये इनके समेत जो 6 लोग हैं, इनकी कमेटी बनाई है जो प्राइवेट बस एसोसिएशन है राजस्थान की। उन्होंने तो बस ऑपरेटर एसोसिएशन का ये कहना है कि क्योंकि ये लंबे समय से सरकार को अपनी बात बता रहे लेकिन सरकार इनकी बात को नहीं मान रही, इनका कहना है कि अब समय बहुत बदल चुका है, सड़कें बहुत जो स्थिति है वो अलग हो चुकी है और फिर भी जो सरकार है वो इनकी बात नहीं मान रही है। इनका यहाँ तक कहना है कि सरकार जो रोडवेज बसें चलाती है उसमें बकायदा हर साल सब्सिडी देती है, घाटे में चलती है, अगर सरकार हमको सौंपती है तो हम सरकार को उसको और ज्यादा फायदे में करके दे देंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो इनकी खुद की जो मांगे हैं वो मांगे लंबे समय से पूरी नहीं हो रही। अगर हम उन मांगों की बात करें प्रीति, तो उनमें जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि जो लोक परिवहन बसें हैं उनकी जो मॉडल कंडीशन है वो ऑल इंडिया परमिट 12 जो साल है उसका करना चाहिए, क्योंकि सभी जो राज्य हैं, ज्यादातर राज्य हैं और जो देश के अलग अलग, वहां पर इसको 12 साल किया गया है। स्टेज कैरिज जो है उसको भी यहां पर 15 साल, 20 साल और 25 साल करने की मांग की जा रही है। सीटिंग जो कैपेसिटी होती है बस में, जो बैठने की क्षमता होती है, उसकी बाध्यता को समाप्त करके 3/2 साधारण बसों में